प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो क्वेश्चन बने हैं हिंदी के वो इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि जो लज्जा शब्द है वो कैसा है, यानी तत्सम है, तद्भव है, या तीसज है, अर्थ तत्सम है। अगर आप लज्जा देखेंगे तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह पुस्तक है वो अच्छी है, मैं वह क्या है। तो हम कहते हैं कि अगर नाउन से पहले अगर ही सी इट ऐसे इस प्रकार के कोई भी वर्ण आ जाता है तो वो सार्वनाम एक विशेषण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं यह या वह हो और इसके बाद है नाउन आ जाए तब भी ये सार्वनामिक विशेषण का ही कार्य करेगा वह, ठीक है, क्योंकि ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं कलश और कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। कलश माने वैसे देखा जाए घड़ा होता है और कुलिस माने होगी वज्र, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है आजानु बाहु, तो आजानु बाहु का मतलब शब्द में समास क्या होगा, तो ये अव्ययी भाव समास होगा इसमें, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिएगा, यानी शुद्ध रूप कौन सा सही लिखा है। हालांकि देखा जाए आप देख रहे होंगे ये स्रोत है ना, इसे इंग्लिश में सोर्स बोलते हैं, तो ये सही लिखा है बाकी सभी गलत है। स्रोत ये गलत है, ये स्रोत्र है ये, और ये स्रोत है, हम लिखते हैं स्रोत ऐसे करके, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। ललना का किसका पर्याय है, ये आपकी स्त्री का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, अशुद्ध बताइएगा इसमें से कौन सा है, तो अशुद्ध है जो पूजनीय है ना, यही हो जाएगा, हम पूजनीय ऐसे लिखते हैं, पूजनीय होता है वो ना कि पूजनीय, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही हो जाएगा जो अशुद्ध है। बाकी चार दीवारी सही है, उच्चिष्ट सही है, पारिवारिक सही है, परिवार में एक प्रत्यय लगा के पारिवारिक बनाए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से अयोगवाह कौन सा है, तो वो होता है आपके विसर्ग, तो ऑप्शन नंबर तीन सही हो जाएगा। तत्सम शब्द बताइए इसमें से कौन सा होगा, तो वो बधू ही हो जाएगा, ठीक है, बाकी घी, खजूर, पलंग, ये सभी आपके तत्व रूप हो जाएंगे। इसमें से सफेदी शब्द क्या चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो आपका 41 नंबर है, ये कह रहा है अकड़ प्रत्यय है, कृत प्रत्यय का कौन सा प्रकार हो जाएगा, ये इसमें ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा आपका कृतवाचक, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कि कौन निम्नांकित में से एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि इसमें से देखा जाए कौन सा इसमें से निर्मित नहीं हुआ, वो होगा आपका अधिक, यानी अधिक में कोई भी एक प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, बाकी जो आपका शिक्षण है ये शब्द, ठीक है, पहला ही वो इसमें एक प्रत्यय लगाया है तब ये बना है शैक्षणिक, ये ऐतिहासिक है ना, इसमें इतिहास में एक प्रत्यय लगाकर ये बना है ऐतिहासिक, बाकी जो आपका नियम होता है उस नियम में आप एक प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा न्यायिक, सॉरी न्याय में जुड़ा है एक, तब के नियम सही, ये मैंने गलत बता दिया, नियम नहीं हुआ, ये आपका न्याय होगा, ठीक है, न्याय में एक प्रत्यय जुड़ा है तभी बना है न्यायिक, ठीक है, और बाकी शैक्षण में शैक्षणिक बन जाएगा एक लगा के, इतिहास में एक लगाएंगे तो ऐतिहासिक बन जाएगा, बाकी इसमें अधिक तो मूल शब्द है तो इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट एक अवर का ब्लोंग क्या होगा, इसका प्रवर हो जाएगा। अहोरात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, अहोरात्र इसका होगा एहन प्लस रात्रि, यानी ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, एहन प्लस रात्रि। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे अनाहूत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वह नदी में तैरने लगा, वाक्य किस प्रकार का है, तो ये सिंपल ही वाक्य है, इसमें कोई भी चीज़ वो नहीं है, यानी सीधा वाक्य है तो सरल वाक्य हो जाएगा, अरे गलत लगा दिया, सरल वाक्य हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, हम कहेंगे प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करना, यही होगा, ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से बीमेल शब्द चुनिएगा या नहीं, जो अलग है वो चूज करना है इसमें से, ठीक है। जैसे ध्वजा, निशान, चमक, तो इसमें से केतु अलग हो जाएगा फिर। नहीं 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 गलत बता दिए, एक सेकंड, चमक हो जाएगी अलग, ठीक है। यानी ध्वजा, निशान और केतु ये एक जैसे वर्ण है, और जो अलग है बिल्कुल फीमेल है वो हो जाएगी चमक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा फिर इसका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें तीसरा शब्द क्या होगा, तो इसमें जो कपास है वो देशज हो जाएगा। अब महत्व का इसमें संधि विच्छेद क्या होगा, तो महत्व तो यही हो जाएगा पहला ही, महत्व प्लस तो, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका एक ही सही हो जाएगा, महत्व, क्योंकि इसमें देखो जो इस प्रकार लिखा है ना, ये तब में एक और तय जुड़ रहा है, इसलिए महत्व प्लस तो। बाकी ये दे रखा है आपको गद्यांश, गद्यांश के आधार पर क्वेश्चन चाटने होते हैं, तो हम उन्हें तो नहीं चाटेंगे, लेकिन हमें इसमें ग्रामर के क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें ग्रामर के जहाँ पर दिखाई देंगे हम उन्हें करेंगे। जैसे कि ये भी एक ग्रामर का ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक है वो अन्य तीन से भिन्न है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा कांता, पत्नी और प्रिया ये तीनों एक है, और देखो कांति है वो अलग हो जाएगा भिन्न, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि फिजूल खर्ची करना बुरी आदत है, रेखांकित शब्द का समानार्थी क्या होगा, तो ये फिजूल खर्ची का मतलब ये है कि आप अपव्यय कर रहे हैं, यानी ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, वो धातु ही होगा ना क्रिया का मूल रूप, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि अपन ठीक रास्ते पर हैं, वाक्य में अशुद्धि है, किस प्रकार की, वर्तनी शुद्धि, अपव्यय क्यों, अपव्यय और सर्वनाम संबंधी या लिंग संबंधी, तो देखो अपना की है ना, अपना ठीक रास्ते पर है, तो अपना को हटाइए, तो अपना क्या है यहाँ पर, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अब इसका जो शुद्ध वाक्य हो सकता है वो इस प्रकार हो सकता है, हम ठीक रास्ते पर आए, ठीक है, ना कि अपन ठीक रास्ते पर आए। इसके अलावा नेक्स्ट है, इसमें से बताना है कि वाक्य का वह अंश जो वाक्य के उद्देश्य के विषय में बताता है तो उसे कहलाता है, तो वो विधेय कहलाएगी, क्योंकि उद्देश्य होता है ना वो एक तरह से कर्ता होता है, और विधेय होती है वो क्रिया होती है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर यही कह रहा था, वाक्य का वह अंश जो वाक्य के कर्ता के बारे में विषय में बताता है तो वो क्रिया ही होती है, यानी क्रिया का मतलब विधेय। तो ऑप्शन नंबर इसमें बता रहा है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो ये मैकाली पद्धति शुरुआत में, तो ऑप्शन नंबर जब ब्रिटिश रूल चला था तब मैकाली पद्धति थी, या शुरुआत यहीं से हुई थी आपकी, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से बताना है आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है कि देयर इज द हार्डली फिल इन द ब्लैंक्स टाइम लेफ्ट फॉर द बस, तो इसमें आ जाएगा एनी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट है जो 65 नंबर, इसमें करेक्ट आपको सेंटेंस बताना है कि आई पेड द बिल बट द कैशियर डिड नॉट गिव द, क्या आपको रिसीप्ट नहीं दी उसने, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें बताना है आपको एडजेक्टिव क्या होगा इनमें से, तो एडजेक्टिव आपका बन जाएगा इसमें से इंटेलिजेंट, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से बताना है कि आपको सिनोनिम से बताना है आपको कर्टियस का, तो इसका हो जाएगा कर्टियस का क्या हो सकता है इसमें से, हो जाएगा पोलाइट, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से आपको करेक्ट बताना है क्या होगा, माई ब्रदर गोज फॉर अ वॉक डेली, ही वॉक एवरी, हम कहेंगे फास्ट, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कह रहा है कि आइडेंटिटी द वर्ड विच हैज अ डिफरेंट साउंड अंडरलाइन इन द लास्ट, यानी इसमें से जो लास्ट में जो दे रखा है उनका जो डिफरेंट कह सकते हैं साउंड आ रहा है वो चूज करना है,
तो आप है इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे, जैसे इसमें आ रहा है टच, सॉरी टच क्यों, टफ आ रहा है, इसमें लाफ आ रहा है, इसमें रफ आ रहा है, लेकिन इसमें हाई आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। चलो यहाँ से कर लेते हैं। ये कह रहा है कि जो आपका इसमें से अपोजिट वर्ड बताना है किसका, इनोसेंट का, तो इनोसेंट का हो जाएगा गिल्टी, इसके पहले को आया था। चलो ठीक है, मैं थोड़ा कहता, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आप इस सेंटेंस को, ये ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, ये सही सेंटेंस क्या होगा, तो हम कहेंगे डू यू स्टडी आर्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, तो आप बताइएगा इनका अलग से कौन सा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है किसी का साउंड का, वो बताइएगा जो अलग से हो रहा है। तो हम इनमें से कहेंगे जो डिफरेंट है वो हो जाएगा, जैसे कि हम देख लेते हैं, इसका मतलब होता है चेक, इसका मतलब होता है चेन, इसका मतलब होता है चेक, इसका मतलब होता है केमिस्ट्री, तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन अलग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब ये टीचिंग मेथड से पूछा है कि जो मोंटेसरी सिस्टम ऑफ टीचिंग फोकस ऑन, जो मोंटेसरी की जो टीचिंग मेथड थी वो किस पर फोकस करती है ज़्यादातर, तो हम कहेंगे वो चाइल्ड पर फोकस करती है, चाइल्ड सेंटर उसमें शिक्षा दी जाती है उसकी मेथड में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें वर्ब है वो सही भरनी है, कौन सी आएगी, द ट्रेन लेफ्ट, सॉरी द ट्रेन फिल इन द ब्लैंक्स बिफोर ही रीच द स्टेशन, तो हम कहेंगे इसमें से आएगा हेड लेफ्ट, हेड लेफ्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्या 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट, तो इसमें से हो जाएगा आपका सही, ये 2 ही नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें से बताना है आपको सी टेबल प्रोनाउन बताना है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 84 नंबर है, इसमें सी टेबल प्रोनाउन बताना है आपको, तो इसमें जो हीना एंटीना ऑन ए हाउस, फिर इन द ब्लैंक्स हाउस इन हाउस इज ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुली बिल्ट, तो हम ये कहेंगे इसमें देयर आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से बताना है कविता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अंडरलाइन करके ब्यूटीफुल पूछा है क्या है, तो हम कहेंगे ये एडजेक्टिव हो जाएगी। इसमें बताना है अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन लगाना है इसमें, तो हम कहेंगे ये कह रहा है आई सेल कम बैक फिल इन द ब्लैंक 7 o'clock, तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है कि आपकी जो द वर्ड किंडरगार्टन इज अ जर्मन वर्ड मीनिंग, इसका जर्मन मीनिंग क्या होगा, यदि इसका जर्मन का शब्द है तो इसका मीन्स क्या होगा, तो हम कहेंगे ये चिल्ड्रन गार्डन कहलाती है, किंडरगार्टन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये जो आपका जो किंडरगार्टन है वो जर्मन शब्द है, तो इसका मीनिंग क्या था, वो था चिल्ड्रन गार्डन, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया था। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यू हाउ कैन ग्रामर बी बेस्ट टॉट टू स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे उन्हें है यहाँ पे बाई गिविंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेस्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से आर्टिकल बताना है कौन सा आएगा, तो द जेंटलमैन कम टू स्कूल टू सी फिर इन द ब्लैंक्स प्रिंसिपल, तो इसमें आर्टिकल आएगा था।